हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़, आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिला और इस मेगा ऑक्शन में काफ़ी लोगों की और काफ़ी प्लेयर्स की किस्मत हमें चेंज होते हुए देखने को मिली। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो कि हमें मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड जाते हुए नज़र आए, और अब इन अनसोल्ड प्लेयर्स में से टॉप 5 अनसोल्ड प्लेयर्स की आप लोगों को वापस से आईपीएल 2022 में री एंट्री देखने को मिलने वाली है, जिनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है सुरेश रैना का। सुरेश रैना, जिनके ऊपर पूरी पूरी उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको पिक करेगी, और रैना ने अपने बेस प्राइस को 2 करोड़ रुपये सेट किया था, जहां पर सीएसके की टीम के पास आखिर में एक स्लॉट भी अवेलेबल था और उनके पास 3 करोड़ से ज्यादा पैसे बचे हुए थे। तो अगर वो चाहते तो सुरेश रैना को वो अपनी टीम में शामिल कर सकते थे। अगर उनको खिलाना नहीं भी था तो सिर्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से भी वो रैना को पिक कर सकते थे, क्योंकि ये इनके साथ पिछले काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि डोमेस्टिक में भी सुरेश रैना बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, और ऐसे में हर एक टीम अपने फायदे के हिसाब से देखना चाहे तो उन्होंने सुरेश रैना को पिक नहीं किया। लेकिन अब सुरेश रैना क्योंकि अवेलेबल तो है, उन्होंने मेगा ऑक्शन में अपना नाम दिया था, तो अगर किसी भी टीम में इंजरी के कोई भी इश्यूज आते हैं या फिर किसी भी टीम को एक कैप्टन की जरूरत पड़ती है, उनका कैप्टन किसी इंटरनेशनल ड्यूटी या फिर बायोसिक्योर बबल की वजह से उनकी टीम छोड़कर चला जाता है, तो वो टीम सुरेश रैना को वापस से जरूर कांटेक्ट करेगी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है ऑयन मॉर्गन का। मॉर्गन की बात की जाए तो एज अ बैट्समैन आईपीएल में वो ज्यादा नहीं चले, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कैप्टन के तौर पर ऑयन मॉर्गन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। उन्होंने केकेआर की टीम को सेकंड वाले हाफ में बहुत आगे तक पहुंचाया था अपनी कैप्टनसी के दम पर, और ऐसे में उम्मीद थी कि एज अ बैट्समैन ना सही पर एज अ कैप्टन तो ये बिकेंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में ऑयन मॉर्गन भी अब क्योंकि मेगा ऑक्शन का पार्ट है, और ऑब्वियसली बात है जिन भी टीमों के पास ऐसे कैप्टन्स हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल ड्यूटीज का प्रेशर आ सकता है, या फिर क्योंकि कोविड के बीच में आईपीएल हो रहा है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो और टीमें भी ऑयन मॉर्गन को अब कैप्टनसी ऑप्शन के बैकअप के तौर पर रखेंगे, रिप्लेसमेंट के तौर पर। तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है शाकिब अल हसन का, जिनका अनसोल्ड जाना थोड़ा सा शॉकिंग जरूर था, क्योंकि शाकिब करेंटली काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि इनको अपनी टीम में पिक कर सकती थी, जैसे कि आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम में एज एन ऑलराउंडर पिक कर सकती थी। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने शाकिब से खराब प्लेयर्स को इनसे ज्यादा पैसों में पिक कर लिया है, तो ऐसे में अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी तो शाकिब अल हसन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नंबर 1 प्रायोरिटी रहेंगे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम निकल कर आता है स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो T20 क्रिकेट के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे, और वहां पर कुछ टॉप पिचेस के ऊपर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन उसके बावजूद किसी भी टीम ने इनको पिक नहीं किया, और अभी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज में आप लोगों ने देखा कि स्टीव स्मिथ बिल्कुल 100% अपना दे रहे हैं, वहां पर किस तरीके से वो कंकशन का भी शिकार हो गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना पूरा एफर्ट दिया उसके बाद ये चीज क्लियर है कि इनकी इस चीज को हर एक आईपीएल टीम देख रही होगी, और अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो स्टीव स्मिथ के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हर एक आईपीएल टीम इनको जरूर टारगेट करेगी। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है एस श्रीशांत का, और श्रीशांत के साथ तो अलग ही केस चल रहा है, क्योंकि एस श्रीशांत ने अपना नाम ऑक्शन में दिया था, सारे रूल्स को भी उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन उनके नाम को एक भी बार पुकारा भी नहीं गया ऑक्शनियर के द्वारा, और इससे एस श्रीशांत काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिर उनके नाम को क्यों नहीं बोला गया। दरअसल लास्ट ईयर भी उन्होंने अपना नाम ऑक्शन में दिया था, लेकिन वहां तो उनके नाम को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए वो यहां तक आए थे, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम ऑक्शन में नहीं लिया गया। तो एस श्रीशांत अब यहां पर अपना रिटर्न कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, अगर कोई टीम उनको अपनी टीम में पिक करना चाहे। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऐसा अनसोल्ड प्लेयर है जिसको आईपीएल में होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।